अब इतनी रात को कौन आ गया? यस सॉरी, मैंने इतनी रात को डिस्टर्ब किया आपको। एक्चुअली आज ही मैं बगल वाले रूम में शिफ्ट की हूँ, तो मैं पानी लेना भूल गई थी। तो क्या मुझे पानी मिल सकता है? वेट कीजिए, मैं अभी लाके देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाय। ओ आप। हेलो हेलो, आप यहाँ पे? मैं कुछ काम से ही जा रहा था। एक्चुअली मैं म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। ओके। और अभी तक बस भी नहीं आई है। ओके, तो क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? आप नहीं, आप जाइए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा हूँ उस तरफ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके ठीक है, बैठ। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाय। केक? अरे कल बताया तो था, बुद्धू आज मेरा बर्थडे। ओ, विश यू हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे ही, अंदर नहीं बुलाओगे? सॉरी, आइए ना। थैंक यू। आइए आइए, बैठिए ना। पहले केक तो खा लो। थैंक यू, बैठिए ना। अच्छा केक तो खा लिए, ये बताओ मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? हाँ तो बताइए ना, क्या चाहिए आपको? बताइए, ये क्या तुम आप लगा के रखे हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। ओके तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? एक काम करो, मेरे लिए ना चाय बना के लाओ। चाय? अभी बना के लाता हूँ, 2 मिनट वेट करो। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, और तुम बताओ, तुम सिंगर बनने आई हो ना यहाँ? सिंगर बनने तो आई हूँ, मगर पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। टेंशन मत लो सुहानी, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, जरूर एक दिन कामयाब सिंगर बनोगी। पता नहीं यार क्या होने वाला है। काम करो ना, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ओह ग्रेट, आज तुम्हारा बर्थडे भी है, इसी बहाने एंजॉय भी हो जाएगा। चलो। मैं 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ, तुम यहीं बैठो।
आई एम रेडी। क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। चलें? चलो। साले क्या है बे, जब देखो तब सनी लियोनी के फोटो में चिपका रहते हैं। अबे तेरी क्यों जल रही है बे, तेरी क्या बहन है? अबे बहन होगी तेरी, अपनी तो माल है माल। ओए जंडू, वो सिर्फ तेरी नहीं हम सबकी माल है। अबे शकल देखी अपनी, साले चिपके हुए टमाटर की तरह। ओए शकल पे ना जियो। क्यों बे तेरी क्यों जल रही है, सही तो बोला इसने। अबे तुम लोग कुछ काम धंधे नहीं रहते क्या, जब देखो बकर बकर करते रहते हो। बोला बोला गूंगा बोला। सुन एक बात बताओ, तुझे कोई वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? चुप है। जब देखो बकवास करते रहते हो। ये लो की क्या भाई, लोग पार्टी हो रही है। हाँ भाई, क्या बात है भाई, बड़े खुश हो आज? अपने भाई को देखो, दीवाना हो गया सनी लियोनी का। वजह भाई, बंदा तो हाथ से गया। कुछ भी कहो यार, भाई सनी लियोनी ना क्या रापचिक माल है भाई, क्या सामान है भाई। छोड़ ना उसको, माल तो अपने भाई के पास भी है। अबे क्या बात है, इसकी भी माल है। इसका भी माल है, मेरा ही कोई माल नहीं है। कौन सी माल बे? अच्छा बेटे बताऊं, जब बीच के गोलगप्पे खा रहा था, आंखों में आंखें डाल के घुट रुकू कर रहा था, वो क्या था? अच्छा अच्छा वो, अरे यार मेरी फ्रेंड है, बगल वाले घर में शिफ्ट हुई है, कल उसका बर्थडे था तो मैं चला गया उसके साथ घूमने बस। तुम लोग भी ना किसी को भी आइटम बना देते हो। बुरा लगा बुरा लगा बुरा लगा बुरा लगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बेटा तू ये चिप्स खा और भाग यहाँ से सब तुम लोग। अच्छा इसको चिप्स खिला और तू गोलगप्पे खा। सुहानी, सुहानी मैं कब से फोन कर रहा हूँ यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो एक्चुअली मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है इसीलिए। क्या प्रॉब्लम, कुछ बताओ तो सही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही। तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ, अपने दोस्त को नहीं बताओ? दोस्त हो ना,
कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं हो ना कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बताऊं और तुम उसे सॉल्व करो। सुहानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं तुमसे प्यार करने लगा। क्या ये अचानक तुमको क्या हो गया? सुहानी, रियली आई लव यू सुहानी। राहुल, तुम्हें पता है ना मेरी कंडीशन क्या है? मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से एक फिल्म में गाने का चांस मिला है और डायरेक्टर साला वो मुझसे 2,00,000 रुपए मांग रहा है। तुम्हें तो पता है ना इस इंडस्ट्री में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने ये सोच लिया है, मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगी, लेकिन मौका नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी के साथ सोना। सुहानी, मैं लाऊंगा 2,00,000 रुपए तुम्हारे लिए। मैं करूंगा तुम्हारे सपनों को पूरा। सच में? सच में, पक्का वादा। थैंक यू सो मच। सुहानी को कहां से पैसे दूं मैं? सभी दोस्तों ने तो पना कर दिया है। पापा से मांगूं? नहीं, पापा कहां से दूं? पहले ही पढ़ाई में इतने पैसे खर्च कर दिए, लोन चढ़ गया हूं। मां की तबीयत कब से खराब, ऑपरेशन कराना है, जमीनें बिक गई, बैंक बैलेंस सब खत्म, कहां से लाएंगे पैसे? बोलो, तुम कहाँ पे हो? कब से मैं तुमको कॉल कर रही हूँ। सुहानी, वो मेरा फोन साइलेंट पे था। एक बात बताओ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ सुहानी, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। देखो, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे प्लीज बता दो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पैसों का अरेंजमेंट कर ही लूंगी। टेंशन मत, मुझे बस कुछ दिनों का वक्त। श्योर ना रहो, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, ये मेरे करियर का सवाल है। नहीं नहीं सुहानी, मैं करता हूँ, कैसे भी करके तुम्हारे पैसे को अरेंजमेंट करता हूँ, भरोसा रखो। पक्का ना? पक्का। थैंक यू राहुल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मम्मी की तबीयत कैसी है? बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर क्या बोलते? डॉक्टर ने पिछले महीने ही ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। फिर? बेटा उनको रास्ता भी नहीं था, इसलिए जो भी जमीनें बची थी उनको भी बेचना पड़ा। जैसे करके पैसे का इंतजाम किया है बेटा। बेटा एक काम करते, तुम भी आ जाते तो। ओके पापा। मुझे सहूलियत मिल जाती। हाँ हाँ पापा, मैं फौरन आ जाता हूँ।
फौरन आ जाता हूँ। अपना ख्याल रखे पापा। ठीक है बेटा। बाकी तबीयत का भी ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। ओके पापा। पापा डॉक्टर क्या बोले? मम्मी की बहुत तबीयत खराब है बेटा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ पापा। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ बेटा। ठीक है पापा। तेरी मम्मी को ये दवाई 2 चम्मच दे देना। ठीक है। ठीक है पापा, दे दूँ। राहुल क्या कर रहा है तू? ये तेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे हैं ये। पागल हो गया है क्या तू? क्या तू इसे सुहानी को देगा? नहीं नहीं,
बर्बाद कर देती हूँ। समझने की कोशिश कर। क्या समझू क्या यार मैं? चल के मेरे पास आए जी। मैं पूरा करूँगा तुम्हारे सारे सपनों। ये करूँगा वो करूँगा, कहाँ गए वो सारे सपने और वादे? अब मुझे तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं सुनना। मैं कुछ बेटा राहुल। हाँ पापा। माँ का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दिया है, कल ऑपरेशन हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा राहुल। अब तुम ठीक हो जाओगी। बेटा राहुल पैसे कहाँ गए? हाँ पापा, पैसा तो यही रखे गया था मैं। मुझे नहीं पता पापा, वहीं कहीं आसपास हो। अरे कहाँ देखू मैं, तेरी माँ के ऑपरेशन का पैसा था 2,00,000 रुपए। पापा 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 सावित्री क्या हुआ? बेटा सावित्री, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूं। Hmm.
हेलो डॉक्टर साहब। हेलो सावित्री की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई डॉक्टर साहब। पैसे लेके आ जाइए, अभी एडमिट कर लेते हैं हम। पर डॉक्टर साहब पैसे तो अभी नहीं है। तो फिर कैसे इलाज होगा? तुमसे तो बोल रहा हूँ पैसे लाइए, इतने दिनों से बोल रहा हूँ पैसे लाइए, फ्री में इलाज होगा क्या? मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। पैसे नहीं है तो भुगतिए। ये पैसा नहीं देगा, पहले ही इतना उधार ले चुका हूं, अब कौन देगा? भरत भाई को ट्राई करता हूं। हेलो हेलो भरत भाई। हेलो 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 भरत भाई, सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पता नहीं कहाँ चले गए पैसे, 2 लाख रुपए थे तो। कहाँ से दूँ पैसे? पहले का तो दिया नहीं, फिर से पैसे मांग लिए। भरत भाई करिए, पहले का पैसा लौटा दीजिए, फिर पैसा मांगिए। भरत भाई रखिए फोन। माँ को नहीं सावित्री, सावित्री नहीं, सावित्री नहीं, सावित्री नहीं, नहीं राहुल बेटा तेरी वजह क्या हो गया रे? सावित्री कुछ नहीं होगा, सावित्री सावित्री ए नहीं सावित्री। माँ माँ आंखें खोलो माँ। सावित्री ए 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 सावित्री। ये हक तुमने खो दिया राहुल। तुम क्या समझते हो? मुझे नहीं मालूम पैसा किसने लिया है। यह सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुमने अपनी माँ को मारा है, सारे सपने चूर चूर कर दिए। भगवान करे ऐसी औलाद किसी को न दे। कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, शहर जाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, और तुमने अपनी माँ को मारा है, अपनी माँ को मारा है तुमने। मुझे भी मार डाल तू। माफ करना, कौर मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रस्थान करिए, जा सकते हैं आप। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, जा सकते हैं कि मैं ही चला जाऊं? पापा पापा हाँ।
बड़ी खुश हो? खुशी की बात तो है, पैसे जो आ गए। साला एक बात समझ में नहीं आई, राहुल इतना पैसा लाया कहाँ से होगा? छोड़ ना यार, हमारा पैसा मिल गया और क्या चाहिए। मान गए तुमको यार, तुम हो बड़ी कमीनी, तुम तो मुर्दे से भी पैसे निकाल लो। अच्छा, मैं कमीनी चीज? और सारा सारा प्लान तो तेरा होता है हाँ? ओ स्वीटहार्ट, क्या यार तुम भी ना जब देखो लगे पड़े रहते हो। हमारे पास पैसे खत्म हो गए, कुछ सोचो। इतने दिन से कोई बकरा नहीं फंसा है। बात तो सही कह रही हो सुहानी, लेकिन कोई मिलना भी तो चाहिए ना। एक फ्रेंड है, अभी भी मुंबई आया है, लेकिन साला दिखने में बड़ा गरीब है, फिर भी ट्राई कर लो, कुछ निकल जाए। ठीक है, बताता हूँ, तुम्हारे बगल में तो रहता है। थैंक यू वेरी मच। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ओह ग्रेट, आज तुम्हारा बर्थडे भी है। मैं 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। अरे राहुल,
राहुल। हेलो सॉरी राहुल। आज मैं अपनी जिंदगी का वजूद खत्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीने की कोई वजह है और ना ही जीने का कोई हक, क्योंकि मैंने वो काम किया है जो एक हैवान भी करने से पहले हजार बार सोचेगा। मैंने मेरी माँ को मारा है। खैर तुम खुश तो बहुत हो और होना भी चाहिए। आखिर तुम्हारा मकसद जो कामयाब हो, तुमने जिस पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल किया था वो पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए रखे हुए थे। वो पैसा मैंने तुम्हें दिया था ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें अतुल की बाहों में देखा तो मुझे खुद से नफरत हो गई। लेकिन मुझे फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना ही मुझे मेरी मोहब्बत से कोई शिकायत।